नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। देख सकते हैं मेरे पास एक वीवो का फ़ोन आया हुआ है, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। चलिए दिखाते हैं सबसे पहले कौन सा मॉडल है ना। देख सकते हैं V2027 है। तो चलिए सबसे पहले इसको सिम को निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो चेंज करके दूसरा सिम एक देख लेते हैं, हो सकता है कहीं सिम बंद होगा है ना। दूसरा सिम भी लगा लिए, देख सकते हैं इसमें भी सपोर्ट सिम कर गए लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, देख सकते। तो चलिए इसको भी चेंज करते हैं, निकाल लेते हैं सिम को और अब इसको ढक्कन को निकालते हैं धीरे धीरे। देख सकते हैं ये ढक्कन जो है कि इस तरह से नहीं खुलता है दोस्तों, ये हिट करके खुला जाता है। तो ये कहीं पे दिया हुआ था तो उस तरह से नट को नहीं लगाया है, इसलिए हमने ऐसा ट्राई किया तो खुल गया। देख सकते हैं वही ढक्कन को वहाँ पे हिट करके ही आपको खोलना पड़ता है तभी खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो नट भी है सही से नहीं कहीं कहीं लगाया हुआ है। तो चलिए पहले हम नट को खोल लेते हैं, जो दो चार गो नट है, उसके बाद ही आपको दिखाएंगे क्या कैसे कैसे। देख सकते हैं इसका जो बोर्ड है बैंड है कहीं पटका हुआ था। तो सबसे पहले चले इसको निकाल लेते हैं जितना है सबको, ताकि मदरबोर्ड बाहर आ सके है ना। अब इसको भी निकाल लेते हैं, देख सकते हैं इसमें हल्का कार्बन लगा हुआ है चारों तरफ। सबसे पहले मैक को निकाल लेते हैं ताकि साफ करने में कोई परेशानी ना हो और मैक गंदा ना हो, इसलिए मैक को साइड कर लेते हैं ताकि मैक सेपरेट रहे और उसमें चीसे ना है ना। तो सबसे पहले चलते हैं मीटर से चेक कर लेते हैं उसको नेटवर्क रेक को, जहाँ से नेटवर्क आता है। तो देख सकते हैं इसका जो नेटवर्क रेक रहता है वो नहीं कटा हुआ है, सही है। तो चलिए इसको सबसे पहले पेस्ट लगाते हैं जहाँ जहाँ पे कार्बन है, उसके बाद इसको हिट मार देते हैं है ना, ताकि अच्छे से कार्बन जितना हो सही से साफ़ हो सके। देख सकते हैं पूरा सही साफ कर लिया, हिट कर लिया। अब इसको ब्रश से साफ कर लेते हैं, जो भी गंदगी होगा साफ हो जाएगा अच्छी तरह से। हिट होने के बाद होता है कि हल्का फुल्का जो भी गंदा जाम रहता है वो पिघल के इधर उधर हो जाता है। चलिए अब इससे पहले लेते हैं इसको फिर से बोर्ड को, और जो नेटवर्क वायर होता है उसको चेक करते हैं। कभी कभी होता है नेटवर्क वायर भी कट जाता है, उसके वजह से कुछ दिक्कतें आती है नेटवर्क का। सही है जो अंदर में है उसको चेक करते हैं। देख सकते हैं वायर भी सही।